हेलो पोके फैंस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैरी गेमिंग में। मैं हूँ आप सबका पोके ड्यूबा हैरी। तो दोस्तों, पिछली बार हम लोग पहुँच चुके थे इंडिगो प्ले टू की तरफ, और आज हम लोग बढ़ने वाले हैं सीधे पोकेमोन लीग की तरफ। उससे पहले मैं जब मैं आप सबको अपना पोकेमोन के सारे मूव्स दिखा देता हूँ। मैंने सबको सबके मूव्स मैंने चेंज कर दिए हैं। अगर मैं अपने ब्लेन की बात करूँ तो उसके पास है डी कन्फ्यूज रेड डार्क पल्स और फ्लेम थ्रोअर। मैंने उसका वो हटा दिया है विलोविश, क्योंकि उसका मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा नहीं था। मेरा मैक्स सीख चुका है, आयरन टेल सीख चुका है नया मूव, क्योंकि और कोई अच्छा मूव वो सीख नहीं रहा था। मैंने स्क्वी को स्लैश बॉम्ब सिखा दिया है, जेबीआर को मैंने आर्ट क्विक सिखा दिया, एसली को हिडन पावर सिखा दिया है, इसका हिडन पावर जो है वो इलेक्ट्रिक टाइप है। मैंने रॉकी को फायर पंच सिखाया है दोस्तों। तो यही है मतलब नए नए मूव मैंने इन सबको सिखाया है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने कुछ सामान भी खरीद लिया आसान आराम से, चलिए बढ़ते हैं। वंस यू एंटर दिस डोर यू विल बी फेसिंग वन ऑफ द इलाइट फोर, दे आर रियली टफ, यू कैन नॉट एग्जिस्ट वंस यू एंटर। आर यू रेडी? बी करेजियस एंड गो फॉर इट। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग पोकेमोन लीग की तरफ। हम लोग पहुँच चुके हैं पहले पोकेमोन लीग, हम बाहर नहीं जा सकते इधर से। चलिए इसे बात करते हैं। वेलकम टू द पोकेमोन लीग, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विल, आई हैव ट्रेन ऑल द अराउंड द वर्ल्ड, मेकिंग माई साइकिक टाइप पोकेमोन पावरफुल, एंड एट लास्ट आई हैव बीन एक्सेप्टेड इन टू द इलाइट फोर। आई कैन ओनली कीप गेटिंग बेटर, लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन। तो दोस्तों हैरी वर्सेस विल, पहला इलाइट फोर हम लोगों का बहुत ही मज़ेदार होने वाला है यार। यार पांच पोकेमोन है उसके पास, चलिए देखते हैं। पहला उसके पास झाटू है, झाटू पोकेमोन। चलिए डार्क पल्स हम लोग के पास, कोई बड़ी बात नहीं होगी, डार्क पल्स से मर जाना चाहिए। वैसे लेवल 40 का ही मर जाएंगे शायद। नहीं यार ये अच्छा नहीं हुआ, साइकिक। अच्छा बेटा साइकिक करेगा, फुल रिस्टोर, ये लोग फुल रिस्टोर करेंगे। मतलब यार हम लोग बस डार्क पास ही करते रहेंगे, देखते कब तक मरता है ये। अब हम करेंगे जल्दी से फ्लेम थ्रोवर, क्योंकि वैसे अपना डार्क पास में वेस्ट नहीं करना चाहता इधर। तो पहला गया इधर, वन डाउन दोस्तों। अभी पांच बच्चे शायद, नहीं चार बच्चे उसके पास। स्लो ब्रो, चलिए स्विच करते हैं यार। स्लो ब्रो तो नहीं संभाल पाएगा, इसलिए को ले आया। नहीं यार मैक्स संभाल पाएगा स्लो ब्रो को आसानी से, वाटर टाइप भी है और साइकिक टाइप भी है। चलिए स्लो ब्रो को भी जल्दी से हराते हैं हम लोग। स्लो ब्रो थंडर बोल खा तू तो। और एक साथ चला जाएगा इधर, मर जाना चाहिए। हाँ मर जाएगा, मर गया। और एक डाउन दोस्तों, स्लो ब्रो गया इधर। अगला पोकेमोन है जिंक्स। जिंक्स के लिए हम स्विच करेंगे फिर से ब्लेन की तरफ। ये यार इजीली जीत पाएंगे शायद ये वाला। वैसे उनके पोकेमोन भी ज़्यादा लेवल अप नहीं है, लेवल मतलब 40 के ही है, 41। हाँ 41 के ही है। मैं उनसे 10 लेवल तक ज़्यादा मतलब ओ। तो फ्लेम थ्रोअर करते हैं जल्दी से, इन सबको हराते हैं। जिंक्स यार फिर से तू आ गई, मतलब इसे किसने बनाया, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ यार। चलिए जो भी हो अब आएगा एग्जीक्यूट, चलिए इसी से बैटल करेंगे हम लोग यार एग्जीक्यूटर को। ग्रास टाइप भी तो है, फ्लेम थ्रोअर से हरा देंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब ब्लेन ने संभाल लिया ये पूरा, अगर एक सबसे बोले तो मैक्स ने सिर्फ एक ही को डाउन किया, ब्लेन ने दो को, तीन को, ये तीन हो गया। तो ब्लेन यू आर MVP इन दिस मैच यार। लेवल 52 का हो चुका हम लोग का ब्लेन, ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए, लेवल 52। अब आएगा झाटू फिर से, चलिए इस बार स्विच करते हैं मैक्स की तरफ, क्योंकि पिछली बार डार्क पास नहीं ले पाया था झाटू को, तो मैक्स ठंडा बोल से ले ले आसानी से। चलिए इसको हराते हैं जल्दी से इस झाटू को। वी साइकिक डोंट गिव अप इवन वी आर डाउन। अच्छा ठीक है, साइकिक टाइप पोकेमोन कन्फ्यूज रही यार। मैक्स तुझे इससे बाहर आना पड़ेगा यार, पिछली बार जो कमाल किया था इस बार भी कर दे मैक्स। चल मार दे मैक्स, मार दे झाटू को, मार दे। बहुत अच्छे यार मैक्स, तुम लोग कमाल कर रहे हो यार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर मैक्स अपना गुस्सा निकाल रहा है, पिछली बार जब टीम में नहीं था वो, मैंने इसकी जगह एक फुल रेट को रख दिया था। कोई बात नहीं मैक्स, आई कैन बिलीव इट। अच्छा ठीक है, तो बिलीव करिए मत। इवन टू आई वॉज डिफीटेड आई वॉन्ट चेंज माई कोर्स,
आई विल कंटिन्यू बैटलिंग अंटिल आई स्टैन अबव ऑल ट्रेनर्स नाउ मूव ऑन एंड एक्सपीरियंस टू फोर सिटी ऑफ द इलाइट फोर। तो दोस्तों हम लोगों ने पहला इलाइट फोर हरा दिया है और आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल बढ़ेंगे अपने अगले इलाइट फोर की तरफ। मैं सोचा था सारे के सारे एक साथ ही हरा दूंगा लेकिन बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों मैं थोड़े थोड़े एपिसोड करके डालता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।